हम तो सिर्फ इनका सहयोग करने आए, और उससे पहले हमने देखा कि क्या जरूरत है, और जो बंदियों ने बोला वो दे दिया, यही हमारा कहना। वो वापस लौट के जेल नहीं आए, जिससे क्या होगा, समाज की सुरक्षा बढ़ेगी, वो भी आदमी काम करने लगेगा, महिला घर में सुधर अपने अपने परिवार को संभालेंगे। स्टार्ट से कैसे किया, यू में कम टू मॉडल, कैसे करो, ऐसे विजिट करो प्लान और फिर बनाओ, दैट्स ऑल यू कैन देन सॉल्व इट। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन ईच अदर। पुस्तकें शुरू हो गई। फ्लो कानपुर चैप्टर ने नेशनल विजन फाउंडेशन के साथ एक फॉर्मल अग्रीमेंट हम साइन करेंगे, और उनको जो भी स्किलिंग एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं उसके लिए मैम का सहयोग करेंगे, और आई होप कि हम कानपुर जेल को भी वैसे ही बना सके जैसे मैम ने तिहाड़ जेल को बनाया। धन्यवाद करना चाहूंगी डीजी सर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम कानपुर की जेल में भी काम करें, और धन्यवाद करती हूँ डीआईजी सर का जो स्पेशली लखनऊ से आए हैं, और सुप्रिंटेंडेंट सर का जिन्होंने कल पूरी जेल का हमें विजिट करवाया, और हमने बंदियों से बात भी करी और उनकी नीड्स। आज ये जैसे जैसे ये प्रगति करती जाएंगी हमारे देश की इकोनॉमी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन होगी और आत्मनिर्भरता होगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोकल से भी ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल। सो आई थिंक ये एक एक व्यक्ति, एक एक जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास ये पोटेंशियल है टू गो ग्लोबल। सो ये एक तो मैं ये एम्पावरमेंट देखने आई थी, और भी इनको और हौसला अफजाई करने के लिए ताकि और आगे बढ़े। लेकिन साथ साथ मैं इनको कानपुर की जेल के सुधार के लिए भी जोड़ दिया, जिसमें महिलाओं को इनकी ज़रूरत है। जैसे महिलाएं आज लाइब्रेरी मांग रही हैं, महिलाएं बच्चों के साथ आ रही हैं, वो स्कूल चाहिए उनका, पुरुषों को स्किल डेवलपमेंट कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रोग्राम, और सभी को तो योगा चाहिए।